Hi guys, welcome to this DILR solving session by Competition Crusade. My name is Omajit Goswami. Today we are going to solve a DILR caselet. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेट है, बहुत मज़ा आने वाला है इस सेट पे. बट बिफोर दैट यू नो, मैं आप लोगों से आई जस्ट वॉन्ट टू से अ फ्यू थिंग्स बिफोर वी स्टार्ट द सेशन. काफ़ी दिनों के बाद, यू नो, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई एम एक्चुअली यू नो रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फॉर DILR एंड स्टफ. तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए, थोड़ा सा बताइए कि चीज़ों में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है. ठीक है, क्वालिटी ऑफ द वीडियोज यू विल सी, यू नो, दे विल जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग. एज यू कैन सी, वी आर यू नो वर्किंग अ लॉट हार्ड, आई एम वर्किंग अ लॉट हार्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज, द ऑडियो ऑफ द वीडियोज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एनीवेज, वो सब चीज़ें बाद में. DILR बहुत इंपॉर्टेंट है कैट 2022 के लिए. आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए वीडियोस अगर आपको लगता है दिखाने लायक है तो. दूसरी बात, अगर आप टेलीग्राम कम्युनिटी पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, 1-to-1 वहाँ पे हम बात कर सकते हैं. ठीक है, बस इतना बोल के लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट सैम कैट्स एक्चुअली. ओके, सो लेट मी रीड द सेट आउट फॉर यू अ लिटिल fast if I can. 8 persons, P2W, so PQRSTUVW, 8 persons went to a movie theater. In the theater there are 5 rows marked A to E in that order. So hum jab movie dekhne jaate hain to usi tarah hota hai, A B C D E. So there are 5 rows A B C D E, and the one starting closest to the screen to the one that is farthest away from it. Closest to the screen, obviously, from the given condition is going to be A, and farthest away will be E. Okay, so far so good. Each row has 20 seats. A has 20, B has 20, C has 20, so on and so forth. Okay, 10 on the left of the aisle, 10 on the right of the aisle. What is an aisle? This is very important. Aap logo ko ye, I think you should know this thing. आयल, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इसको प्रोनाउंस गलत करते हैं बहुत लोग, आपको मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज कॉल्ड एन आयल, इट्स नॉट कॉल्ड एजल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, आयल बेसिकली मीन्स जो बीच का रास्ता होता है. हम जब ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं या फिर एयरप्लेन में, हम लोगों ने देखा होगा कि बीच का जो खाली होता है, वो खाली जगह के एक इधर एक सीट होता है, एक उस साइड एक सीट होता है, तो उन दोनों सीट्स को आयल सीट्स कहते हैं. एंड कॉर्नर सीट्स तो हमें पता ही है, जो एकदम कॉर्नर में होता है वो कॉर्नर सीट्स होते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि देर आर बिहाइंड द रो ई, सबसे लास्ट वाला जो रो है ई, देर आर टू रोज, ईच रो हैज 5 प्रीमियम सीट्स. सो देर आर टू रोज बिहाइंड ई, 5 सीट्स प्रीमियम सीट्स. ओके, सो फार सो गुड. दीज टू रोज एफ एंड जी, एवरी सीट इन द रो इज नंबर्ड फ्रॉम, these two rows are F and G, every seat in the rows is number 1 to 20 from left to right. Seat 1 to 20 are now referred to as corner seat, while 10, 11 are aisle seat. ये सब अपन डिस्कस करेंगे जब सेट सॉल्व करेंगे, वो आपको समझा रहा है. ठीक है, कि कॉर्नर सीट क्या है, aisle seat क्या है, this. Okay, this is not applicable to the F and G row of the theatre. And it अभी आगे लिखता है कि the theatre charges 50 extra for an aisle seat, 200 extra for a corner seat. 200 extra for a corner seat in A and B, 100 extra for a corner seat in C, D and E. Premium seats, which is F and G, comes at an additional cost of 200 each. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे पॉज करके एक बार ध्यान से एक मिनट तक पढ़ो, आराम से समझने की कोशिश करो, एक तो कहा क्या है. ठीक है, these are the points. The first point says, 7 persons together have spent an extra amount of 700 and 1 person did not pay any additional amount of his or her choice of seat, which basically means कि total 7 ऐसे लोग होंगे जो या तो corners में बैठे होंगे या aisle में बैठे होंगे या हो सकता है premium seats में बैठे हैं, वो तो कहाँ बैठे हैं हमें नहीं पता, बट 7 ऐसे लोग हैं जो इधर उधर बैठ रहे हैं और जिन्होंने extra pay करा हुआ है. लेकिन एक ऐसा बंदा है जो कहीं बैठा हुआ है जिसने एडिशनल एक्स्ट्रा पैसा कोई पे नहीं किया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, कि दिस वन पर्सन विल नॉट पे एनी एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी. ओके, वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन एग्जैक्टली द मिडिल सीट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रोज and they are sitting one behind the other in alphabetical order of their names. No other person sits in these two rows. Okay, so V और W हमें पता चल गया कि alphabetical order में अगर V A में बैठा है तो W B में बैठा होगा, something like that. Okay, so they are sitting alphabetically.
ऑल्सो नो अदर पर्सन सिट्स इन एनी ऑफ दीज टू रो. सो ये दोनों अकेले बैठे हैं, उनके साथ कोई नहीं बैठा. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके सो यहां तक इतना पॉइंट बहुत है हमारे लिए सेट पे आगे प्रोसीड करने के लिए, वेदर आई वॉन्ट टू सॉल्व द सेट और नॉट. बट ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई आस्क यू. प्लीज टेल मी वेदर द पॉइंट्स आर प्लग इन और डिडक्टिव. द फर्स्ट वन इज डिडक्टिव. ओके द फर्स्ट वन इज डिडक्टिव. This one is a plug-in. This one is a plug-in because you will know why I am calling this a plug-in statement. QRS sit immediately behind one behind the other in the same numbered seat in the alphabetical order of the rows, and all of them pay the same extra amount. Q के पीछे R बैठता है, R के पीछे S बैठता है, ठीक है? तो ये numbered way में बैठेंगे, alphabetical order में बैठेंगे, okay? Alphabetical order of their rows, not their names. Okay, this is important. One behind the other. इस पे कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, you know, respectively or something of that. So, anyways, this is a deductive one. This is a deductive statement. Q, T, and U are in the same row, and exactly two of them are sitting in consecutive number chair. Very important. साथ साथ बैठे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन जिन seats में बैठे होंगे दो जने consecutive होंगे, यानी 1920 हो सकता है, 1011 हो सकता है, 12 हो सकता है, something like that. Okay, so this is also a very deductive statement. No one else sits in the same row or the same number seat in which P sits. This is plug-in. This is, you know, straight up plug-in. And last one is that the seat in which F and G, the seats in each of the rows F and G are numbered from 21 to 25. This is not even plug-in data, कुछ भी नहीं. ये plug-in आप बोल सकते हो उसको, but ये कोई information. This is just an information. This is nothing, you know, related to this thing. So if I look into this, there are enough plug-in points. There are enough. So equal number of plug-in and equal number of deductive, you know, points are there. अब बात ऐसा है कि क्या इस सेट को प्रोसीड करना चाहिए टेस्ट में. एक बार क्वेश्चंस को भी देख लिया जाए. क्वेश्चंस कहते हैं, पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आप देख रहे होगे एक बॉक्स बन गया होगा. हाउ मेनी डिफरेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर पी टू सेट. ओके, आई मीन दिस इज अ ओपन क्वेश्चन. ओके, आई कैन नॉट कॉल इट अ क्लोज्ड वन. This is an open question, and by open, what I mean is that इसमें there are possibilities of different type of cases that can, you know, that can be created out of this particular question. So this is an open question. Okay, in which of the following seats T cannot sit? तो कोई भी एक हमारे पास अगर layout होगा, उस layout पे हम T को डाल के check कर सकते हैं whether वो कंडीशंस को सपोर्ट करता है कि नहीं. अगर कर दिया तो फिर वो हो जाएगा. सो इन दैट वेज आई कैन से दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, इज अ काइंड ऑफ अ क्लोज क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स टी कैनॉट सिट. अच्छा, आई थिंक आई हैव जस्ट, यू नो, कॉपीड. एनीवेज, जस्ट डजंट मैटर. इन हाउ मेनी डिफरेंट रोज डू ऑल द फ्रेंड सीट. ये तो बहुत ही, मतलब ये तो मतलब अगर आप एक भी केस बना लोगे, एक भी लेआउट डिजाइन कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है. सो दिस इज अ क्लोज्ड वन. हाउ मेनी ऑफ देम आर सिटिंग ऑन आइल सीट. ये भी क्लोज क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपका लेआउट आपके सामने है तो आप बता सकते हो. इफ क्यू सिट ऑन द 10th सीट, देन हाउ मेनी डिफरेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर यू टू सिट. अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि ये एक ओपन क्वेश्चन है. ओपन, दिस इज अ क्लोज्ड वन. यू कैन कंसिडर इट एज अ क्लोज्ड वन, बट एट द सेम टाइम यू कैन कंसिडर इट एज एन ओपन वन ऑल्सो, बिकॉज दिस इज गिविंग यू अ पर्टिकुलर कंडीशन दैट वेन यू मेक क्यू सिट ऑन द 10th सीट, किस रो में, यू डोंट नो, सो यू प्रॉबेबली विल हैव टू सी. एनीवेज, सो अभी हमने क्या करा है, हमने को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझने की कोशिश की है इस सेट को. दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सेट, द काइंड ऑफ अ सेट दैट कम्स इन योर मॉक टेस्ट्स. ओके, दिस इज इन फैक्ट, यू नो, टेकन फ्रॉम वन ऑफ द सैम कैट्स. दिमाग घूम गया था जब इसको मैं देख पहली बार, जब मैं इसको टेस्ट के फॉर्म में जब मैं दे रहा था, तो मुझे लगा कि यार 6 क्वेश्चन वाला सेट अगर ऐसा आ जाता है तो इसमें गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बनेंगे इसमें. अब इस सवाल पे आते हैं. इसको सॉल्व करने से पहले एक सवाल पूछते हैं. एक चीज आपको मैं बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे सारे सवाल बन जाए. देयर आर 6 क्वेश्चंस. इवन इफ यू आर एबल टू नॉक ऑफ 3 क्वेश्चंस, इवन इफ यू आर एबल टू नॉक ऑफ 2 टू 3 क्वेश्चंस,
मोर देन इनफ, खुशी खुशी बाकी के क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। चलो देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है। तो अभी देखो ये वही चीज है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। हमने अब थोड़ा सा इसका पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, कोशिश करते हैं इसको थोड़ा पिक्टोरियली समझने का कि यहाँ पे क्या ये सब क्या हरकतें हो रही हैं। ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके सो जस्ट ए बी सी डी ई एफ एंड जी, आई होप दिस इज वेरी मच यू नो अंडरस्टैंडेबल। अच्छा इसमें क्या है ना कि ये बनाना जरूरी है क्या, सवाल ऐसा आ सकता है। बिल्कुल जरूरी है, डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पे, आप किस कैटेगरी पे लाई करते हो। अगर आप इसके बिना काम कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। सो आई जस्ट राइट एज मिनिमम एज आई कैन, 1 to 10, 11 to 20। मुझको अभी ना क्या है कि एक चीज मुझे समझना है कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस मच एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो थोड़ा सा मैं इरेज करना चाहता हूँ, आपको बस ये दिखाना था कि 11 से 20 और 1 से 10 है क्या। इसको मैं लिख के वहाँ पे अपना जगह वेस्ट नहीं करना चाहता। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द 10th वन, दिस इज द 11th वन एंड दिस इज द 20th सीट। ओके नाउ प्लीज रिमेम्बर कि 10, 11 वाले जिस भी रो के सीट्स होंगे वहाँ पे उतने पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? एक्स्ट्रा रुपीज 50। ओके ये दिख रहा है ना, एक सेकेंड। ओके सो बस यही है कि जो 10th पोजीशन पे है वहां पे और 11th पोजीशन पे जो भी होंगे वो 50-50 रुपीज लगेंगे हर रो में। ऑब्वियसली एक चीज आपको मैंने बताना, मैंने यहां पे लिखा नहीं है बट वो ये है कि एफ रो में और जीत रो में 1, 2, 3, 4 वाला फंडा नहीं है, इसमें 21 से 25 तक चलेगा। दिस इज 23rd पोजिशन। ओके सो आई विल जस्ट राइट द मिडिल वन, सो 23rd पोजिशन, ठीक है। अब जिसको भी ये लेआउट समझ में आ गया वो उसका भला हो गया है, ठीक है। यहां पे आप देखो 200 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा इन दोनों के लिए। इनके लिए जो एक्स्ट्रा कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं, हम लोग कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं, इन पोजीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्नर में ये भी आता है, 20th पोजीशन भी आता है, ठीक है। 11th पोजीशन नहीं आता, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, कॉर्नर 1 और 20 ही होगा। तो इनका 100 रुपीज लगेगा, ठीक है। और इन दोनों का 200 लगेगा। दिस इज इट, बस इतना सा खेला है। ओके गाइस, तो यहां पे अब आगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है कि अब हमें पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने। देखो पहला, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि 700 रुपीज हैज बीन पेड बाय हाउ मेनी पीपल, 7 पीपल, 1 person इज नॉट पेइंग एनीथिंग। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, आई विल कीप दैट इन माय माइंड। बी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन एग्जैक्टली द मिडिल सीट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रोज एंड दे आर सिटिंग वन बिहाइंड द अदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम। यानी वी के पीछे डब्ल्यू बैठ रहा है, ठीक है। यहां तक तो बहुत ही आसान है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को बिकॉज मिडिल सीट में बिठाना है वी को और डब्ल्यू को, तो मैं यहां बिठा दूं। ओके सो आई विल राइट वी ओवर हेयर एंड W ओवर हेयर। दिस बोथ ऑफ देम ही इज पेइंग 200, ही इज पेइंग 200। सो इन दोनों ने मिलकर 400 रुपये पे कर दिए। मेरे को कितना पे करना है? मेरे को अब सिर्फ 300 रुपये पे करना है। और 300 रुपये हम कैसे पे कर सकते हैं? हमारे दो लोग आउट हो चुके हैं, हमें 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 300 रुपये को। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचो इसके बारे में।
पांच लोगों में 300 रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? आप ऐसा कर सकते हो कि किसी को 200 दे दो, किसी को 100 दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हमारे तीन लोग और बच जाएंगे। पांच लोगों में 500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि हमें वो आयल सीट्स को भरना पड़ेगा। अब आयल सीट्स को कैसे भरेंगे वो हम पॉइंट्स देखते हैं थोड़ा सा। आयल सीट्स को भरना पड़ेगा, और आयल सीट्स को भी कैसे भरेंगे, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही ऐसा है कि हमने दो बंदों को 200-200-400 रुपए दे दिया है, तो अब हमारे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन बन सकता है कि 50 50 50 50 50, सो दिस इज 200 एंड 100 एक्स्ट्रा। हाउ मेनी पीपल आर देयर? सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड वन पर्सन इज नॉट पेइंग एनीथिंग। ओके, नाउ यहां तक अगर आपने इसको डिकोड कर लिया तो बहुत बढ़िया काम किया। आप इस पॉइंट को देखिए, लिखा हुआ है क्यू आर एंड एस सिट इमीडिएटली वन बिहाइंड द अदर इन द सेम नंबर्ड सीट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर रोज एंड ऑल ऑफ देम पे द सेम एक्स्ट्रा अमाउंट। नाउ दिस इज बट ऑब्वियस दैट क्यू आर एस जो होगा वो 50-50-50 ही पे करने वाला है। क्यू आर एस को 50-50-50 पे करना है, एंड अदर persons विल सी। देन इट says दैट क्यू टी एंड यू आर इन द सेम रो, सो वेर एवर क्यू इज, क्यू कैन बी इन द एथ रो ऑल्सो। इधर देखिए आराम से, क्यू कैन बी ओवर हेयर ऑल्सो, क्यू कैन बी ओवर हेयर ऑल्सो, क्यू कैन बी ओवर हेयर ऑल्सो। ठीक है, कहां पे? हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो नहीं बोलते हैं, चलिए थोड़ा पॉइंट को नाम देते हैं। क्यू कैन बी इन ए टेन, Q can be in B10, Q can be in C10, and consecutively, R will be in B10, S will be in C10, okay? So, aisle position पे 50-50 रुपीस एक्स्ट्रा देंगे। तो अगर मैं अज्यूम करूँ कि Q यहाँ पे है, एक assumption मेरा ये होगा, if Q is over there, R is there, S is there. If Q is over here, R will be over here and S will be over here. If Q is there, R is here and S is there. आपको समझ में आ रहा है? टोटल तीन केसेस बन रहे हैं। टोटल कितने केसेस बन रहे हैं? तीन केसेस बन रहे हैं। I wish I had a whiteboard or something जिसमें कि मैं आराम से इनको कर देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वाइट बोर्ड है नहीं। हमारे को यू नो वी हैव टू मेक डू विथ वट एवर वी हैव, राइट? सो ओके, तो थोड़ा सा यू नो आई हैड टू क्लियर अप अ लिटिल बिट। एनीवेज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एथ रो पे आप क्यू को डाल सकते हो, सिमिलरली बीथ रो पे भी आप क्यू को डाल सकते हो, आइल पोजीशन पे सी पे भी डाल सकते हो। हमने कोई एक पॉइंट पकड़ लेना है, उसी से काम करना है, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट यू नो सपोज दैट क्यू इज इन A10, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इमीडिएटली प्लेस T at this position, which is the IL position of you know A11. Okay, so A11 is where I will place T. Now, please understand that 200-200-400 हो गया इधर से, हमें कितना मिला? 200-400-500-600, 100 रुपए और चाहिए, ठीक है? अब वो 100 रुपए कौन देगा? Who will pay the 100 rupees? Is it you who will pay the 100 rupees? Is it P who will pay the 100 rupees? Understand, you cannot pay 100 rupees because you has to be in the 8th row. वो तो है condition है ना, QT और U जो है वो उन same row में रहेंगे और दो लोग उनमें से consecutive numbered chairs में बैठेंगे। तो obviously हमें कहीं पे बिठाना है यू को, एक ऐसे जगह पे जहां पे यू कुछ पे नहीं कर रहा है, और हमें पी को डी पोजीशन में या ई पोजीशन में बिठाना पड़ेगा, कॉर्नर सीट पे, ठीक है? इन अदर वर्ड्स, मैं अगर थोड़ा सा एक डिफरेंट पेन यूज करना चाहूं तो लेट मी जस्ट सी,
सो आई कैन पॉसिबली पुट पी ओवर हेयर और आई कैन पुट पी ओवर हेयर. ओके, सो मैं क्वेश्चन मार्क के साथ ही डाल रहा हूँ पी को, कि आप यहाँ डाल सकते हो या यहाँ पे डाल सकते हो. ना प्लीज रिमेम्बर कि इस वन डी वन पे या ई वन पे कोई भी अवेलेबल नहीं है. सिमिलरली मैं पी को यहाँ भी डाल सकता हूँ, पी को यहाँ भी डाल सकता हूँ, और पी जो है वो 100 रुपीज पे करेगा. ठीक है, एक ही बार पे कर रहा ऑब्वियसली, और इसके पास पॉसिबिलिटीज है बैठने के ये चार, 1 2 3 4, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है पी के पास बैठने का. पी कैन नॉट सिट एट C1 और C20 बिकॉज एक कंडीशन ये भी हमें रेस्ट्रिक्ट करता है दैट पी विल बी द ओनली. यहाँ पे ये कंडीशन पढ़िए आप, फिफ्थ वन, विच सेज नो वन एल्स सिट इन द सेम रो और द सेम नंबर सिट सीट एज इन विच पी सिट्स. और एक मजे की बात ये भी है कि अगर हमने P1 पे बिठा दिया है, रादर D1 पे बिठा दिया है पी को, तो हम यू को कहीं भी वन पोजीशन पे नहीं बिठा सकते, और यू वो अकेला बंदा होगा जो पैसा नहीं पे कर रहा है. ठीक है, ऑब्वियसली बेचारा बहुत ही अच्छा बच्चा है, ठीक है ना. तो मान लो यहाँ पे अगर स्क्रीन है, ठीक है, आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन विजुअलाइज दिस थिंग, बट इफ दिस इज द स्क्रीन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस पोजिशन पे 200 रुपये किस खुशी में ले रहे हैं. I just don't understand. Anyways, so but again, this is a LR set. This is not your, you know. यहाँ पे आपको logic ढूँढने के पैसे नहीं मिलते हैं, आपको logic समझने के पैसे मिलते हैं. Okay, so you are not. Anyways, तो चलिए guys, अभी क्या है ना कि this is not the end of it. इसको पूरा सॉल्व करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि ये कुछ एक घंटे का सवाल बन जाएगा. ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व कर सकता पी के पोजीशंस खोजते खोजते. अब आपका ड्यूटी ये है कि आपको क्यू को यहाँ बिठाना है, और फिर आपको देखना है कि पी के कितने पोजीशंस आपको मिल सकते हैं. फिर आपको क्यू को यहाँ बिठाना है, और फिर आपको देखना है, यहाँ बिठाने का मतलब आयल पोजिशन पर बिठाना है, बीएथ रो के आयल पोजिशन पर बिठाना है, और देखना है पी के कितने पॉसिबिलिटी हैं. क्या ये सवाल किसी मॉक टेस्ट कंडीशन में सॉल्व करने के लायक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए मैं इसको इस वीडियो में भी नहीं सॉल्व करने वाला. एनीवेज, ठीक है ना, ये उतना मतलब इतना डिटेल्स में भी नहीं जाना है कि एकदम अपने उसी से हट गए. पहला सवाल हमें हमसे क्या पूछता है, लेट्स सी. नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चंस एंड सी व्हाट इज द ओके. सो हाउ मेनी डिफरेंट सीट्स are available for P2 sit. Actually, the number of seats that will be available for P2 sit will be more than 30. So, आपको सारे cases में check करने पड़ेंगे कितना है. मैं वो कर नहीं रहा हूँ, आप कर लेना. In which of the following seats can T cannot sit? A18. अच्छा देखो, तो A18 पे बैठ सकता है क्या? Okay, so this is again one of those क्वेश्चंस जहां पे आपको केसेस बना बना के देखने पड़ेंगे कि कौन से केस में वो फिट हो रहा है. तो मेरे मैंने एक ही केस बनाया, तो आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम लोग टी को कंसिडर नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंसिडर्ड टी टू बी यू नो टू बी सीटेड इन दिस पोजिशन. वट इफ आई वुड हैव कंसिडर्ड instead of t if I would have considered u and then t for some instant would have been able to sit over there. To वैसा हो सकता था. अगर वो होता तो A18 पे वो definitely बैठ सकता है, क्योंकि अब उस पर कोई chances है नहीं. तो ये तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि A18 पे वो बैठ रहा है. ठीक है, हमें सिर्फ इतना कहा गया था क्यू टी यू जो है सेम रो पे है, सेम रो पे रहेगा, और सेम रो पे रहेगा, कंसेक्यूटिव दो ही नंबर्स होंगे. तो हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स क्यू और यू को ले लिया, तो T18 पे वो बैठ सकता है. ठीक है, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? लेट्स सी C7. ओके, एक काम करता है, काम करता है, इसको कॉपी कर लेते हैं.
ओके सी सेवन। तो अभी क्या करना है कि हमें क्यू को यहाँ पे प्लेस करना है सी पे, और देखना है क्या सी सेवन पे पॉसिबिलिटी है। तो सी सेवन अगर हमने क्यू को यहाँ पे प्लेस कर दिया इस पोजीशन पे, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप करके देखेंगे, तो देखो कि फिर हम वही काम कर सकते हैं। हम यू को यहाँ बिठा सकते हैं, आइल सीट पे बिठा सकते हैं, और सी सेवन पे डाल सकते हैं, कोई उसमें कोई हार्म नहीं है, वो बिल्कुल बैठ सकता है। ठीक है, तो सी सेवन भी हमारा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स टी कैन नॉट सिट। बी टेन, अब एक बार बी टेन को भी चेक कर लेते हैं, क्या बी टेन में कैन नॉट सिट। ओके बिल्कुल बी टेन पे वो बैठ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ओके वेट अ सेकेंड, बी टेन, बी टेन इज दिस वन। इफ आई से क्यू आर एस ओवर हेयर, आई कैन जस्ट प्लेस टी ओवर देयर एंड इट कैन बी डेफिनेटली पॉसिबल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि अगर हमने Q को यहाँ प्लेस किया होता, R को यहाँ प्लेस किया होता, S को यहाँ प्लेस किया होता, तो ये पॉसिबिलिटी बनता कि हम लोग T को B10 में डाल देते और U को किधर भी और बिठा देते, किधर भी और बिठा देते, तो ये पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, तो ये तो चलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट वाला है वही वाला हमारा होगा आंसर। ठीक है, और लास्ट क्या कहता है, A11, A11 में वेयर कैन यू नॉट प्लेस ओके गाइस। तो इस वाले में क्या है, हमने एक पॉइंट को मिस आउट कर दिया था। हम लोग अपने मन से नीचे चले जा रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि सी सेवन पे वो पॉसिबिलिटी है टी के प्लेस होने का, जो कि नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा देखें तो ये जो पी है ना, इसका कंस्ट्रेंट ये कहता है कि पी के साथ और कोई सेटल नहीं हो सकता, पी वाले रो में और कोई नहीं हो सकता। अब अगर क्यू को हमने यहाँ प्लेस किया है, तो क्यू लेट्स से आर इज देयर, एस इज देयर, तो ये 150 रुपये दे रहे हैं हमें, ठीक है, 150 रुपये ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। चलो यू को यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो कितना हो गया, 200 हो गया। अब हमें 600 रुपये और चाहिए, 100 रुपये और चाहिए, ठीक है, 600 हुआ है, 100 रुपये और चाहिए। वो कहाँ पे, पी को कहाँ पे प्लेस करोगे। इफ यू लेट से सी सेवन पे हमने टी को प्लेस कर दिया, ठीक है, सी सेवन पे हमने टी को प्लेस कर दिया, सो वेयर विल आई प्लेस। अब पॉसिबिलिटी नहीं है, आप 100 रुपये कहाँ से लेके आओगे, पी को कहीं पे तो प्लेस करना है ना, पी आर वाले रो में नहीं आएगा, पी एस वाले रो में नहीं आएगा, और ऑब्वियसली क्यू वाले रो में, पी जहां भी रहेगा पी के साथ वाला, पी वाले रो में कोई नहीं रहेगा। सो बिकॉज ऑफ पी ये कंडीशन जो है सी सेवन वाला कंडीशन वायलेट कर देता है टी के लिए, सो टी के नॉट सिट इन सी सेवन। सो आई होप दैट मेक सेंस। ओके तो अभी ये क्या करते हैं, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाउ मेनी डिफरेंट रोज डू ऑल द फ्रेंड्स सिट इन। ये तो आप बस उस डायग्राम को देखोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। और मजे की बात ये है कि इसका जो आंसर है वो 6 ही होगा, बिकॉज आप देखोगे कि सारे बंदों ने एक 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 रो ऑक्यूपाई किया है। और लेट्स लेट्स जस्ट गो बैक एंड चेक। ओके लेट्स जस्ट गो बैक एंड चेक। ओके सो ओके सो अभी हमने थोड़ा सा इसको इरेज किया है, ठीक है, तो सेम चीज डाल रहे हैं, क्यू आर एस, ओके टी कहीं पे, यू कहीं पे, ओके सो इफ यू जस्ट लुक इन टू दिस, और पी इन दोनों में से किसी एक में ही होगा, तो लेट्स जस्ट सपोज कि पी यहां पे है। सो हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक रो आपका खाली ही रहेगा किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो आई होप दिस मेक सेंस। ओके सो ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन है। सवाल ये कहता है, हाउ मेनी ऑफ देम आर सिटिंग ऑन एन आइल सीट। तो इसका आंसर एक्चुअली 4 होगा, तो मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि क्यू आर और एस जो है वो आइल सीट में बैठ रहे हैं, और क्यू के साथ टी या फिर यू जो है वो
होगा, इधर इट विल बी टी और इट विल बी यू. सो एट अ टाइम इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी ऑफ देम आर सिटिंग ऑन आइल सीट, इसका आंसर 4 ही होने वाला है. ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है. अब सवाल ये कहता है कि इफ क्यू सिट्स ऑन द 10th सीट, हाउ मेनी डिफरेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर यू टू सिट. ओके, अब क्यू जो है अगर वो 10th सीट पे बैठता है, हाउ मेनी डिफरेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर यू. यहां पे इस सवाल को मैं बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये 30 मिनट्स का वीडियो बन गया है और 30 मिनट्स मेरे को नहीं बनाना है. ठीक है, इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा. इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ. इसका आंसर 33 है. आप ट्राई करके देखो. ठीक है, दो तीन केसेस बनाओ, केसेस बना के ट्राई करो. एक क्वेश्चन जो कि हमारे पास नहीं है, उस क्वेश्चन को भी मैं ऐड कर दूं. ओके गाइस, तो ये सवाल है. एक बार मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको ये सवाल दिख जाए अच्छे से. सवाल कहता है हाउ मेनी एक्स्ट्रा अमाउंट इन रुपीस स्पेंड बाय द फ्रेंड फॉर द कॉर्नर सीट. अब ये कॉर्नर सीट वाला बंदा है कौन, आपको पता है. मैं आपको अगर डायग्राम पे लेके चलू, ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम पे लेके चलू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो आपको पता है कि वो जो बंदा है कॉर्नर वाला, वो पी ही हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी केस में अगर हम क्यू आर एस को फिक्स कर दें और टी और यू, तो एक वैसा बंदा होगा वो 8th पर्सन होगा जो कि पैसा पे नहीं करेगा. तो कॉर्नर वाला जो बंदा है वो 100 ही रुपए पे कर सकता है एट द मैक्स. तो हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट इज स्पेंड बाय द फ्रेंड फॉर द कॉर्नर सीट, दिस इज द आंसर टू दिस इज 100 रुपीज. ओके, बहुत ही उम्दा सेट है. या गाइस, तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये बहुत ही उम्दा सेट है, बहुत ही अच्छा सेट है, और ये इस तरह के सेट है जो आपके मॉक कैट्स में, जो आपके मॉक टेस्ट में बिल्कुल आ सकते हैं. इसी तरह के सेट ही आपको दिखने में मिलेंगे. इस सेट को सॉल्व करने के पीछे और दो क्वेश्चन छोड़ने के पीछे मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है. तो थोड़ा सा होमवर्क के तौर पर आप इसको ले सकते हो कि आई हैव गिवन यू अ काइंड ऑफ होमवर्क, सम फॉर्म ऑफ होमवर्क, कि इस पे थोड़ा काम करो, इसके केसेस बनाओ. मैंने बनाया है, एंड देखो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, मेरा ही पिक किया हुआ सेट है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो दो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बनेंगे, वो दो क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व कर सकता. ऑफ कोर्स उन दो क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे बस फालतू टाइम और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड करना है. मुझे ये सेट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. इनिशियली आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस इन इंग्लिश ओनली, लेकिन अगर सिर्फ इंग्लिश पे करता तो शायद इसको मैं और कंप्रेस कर सकता था. तो आप लोग बताइए हिंदी इंग्लिश कौन सा बेटर है लैंग्वेज आपके लिए, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या ये सेटअप अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, सब कुछ कैसा है, ठीक है ना. तो विद दैट बींग सेड, आज के लिए बस इतना ही है. बहुत मज़ा आ रहा है हमें, ठीक है. वीडियोज़ कोशिश तो बहुत है कि वीडियोज़ बहुत सारे आप लोगों को दिए जाएँ कैट 2022 से पहले, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे एंड पे भी है, तो देखिए थोड़ा सा उनको भी हमें देखना पड़ता है. एनीवेज, हैविंग सेड दैट, दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड. दिस इज मी सोमजीत गोस्वामी साइनिंग आउट. और मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा ये जो हेडफोन है वो थोड़ा सा नीचे हो गया था, आई होप उससे कोई प्रॉब्लम ना आए. तो दैट्स इट गाइज, मज़ा आया है, ठीक है, वीडियो बनाते हुए. रात का टाइम है, बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा. तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है. ऑल द बेस्ट, बाय. कैट 2022 फोड़ना है, कॉम्पिटिशन क्रुसेडर्स विद यू.